हेलो एवरीवन, मैं अनिल शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड रिसर्च एनालिस्ट ऑफ स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। लास्ट वीक मार्केट में एक वीक टू वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जहां निफ्टी और सेंसेक्स करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मार्केट में गिरावट का कारण कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस हैं। डाटा की बात करें तो FIIs ने 4000 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन मार्केट को DIIs से सपोर्ट मिला, जहां उन्होंने 6000 करोड़ की खरीदारी की है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो मार्केट अभी भी रेंज में अटका हुआ है, जहां निफ्टी 14200 एक अच्छा सपोर्ट काम कर रहा है। इसके नीचे ट्रेड करने पर सेलिंग बढ़ सकती है, जहां 14000 और 13900 नेक्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा। ऊपर की ओर जहां 14500-14550 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, जबकि 14700 और 14800 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। बैंक निफ्टी 30,500 को होल्ड करने की कोशिश करेगा, जहां 32,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलने के बाद 33,500 और 34,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। 30,500 नीचे फिसलने पर बिकवाली बढ़ सकती है। नेक्स्ट वीक की क्यूज की बात करें तो कोरोना के केसेस का ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसके अलावा अर्निंग सीजन के चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अप्रैल माह में FNO की एक्सपायरी से वॉलेटैलिटी बनी रहेगी।